दोस्तों आज मेरे पास है ये मैग्नेटिक अलार्म जिसका यूज करके आप आपके घर को, शॉप्स को, शोरूम्स को सेफ बना सकते हो। कैसे, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चोरियां तो कभी भी हो सकती है दोस्तों, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये मैग्नेटिक सिक्योरिटी अलार्म मैंने आज आपके लिए लाया है। इसमें आपको साउंड भी सुनाई देगा और साथ ही इसमें लाइट भी लगेगी। प्रोडक्ट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे ऑपरेट करके दिखाऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, सब चीजें बताऊंगा। ये प्रोडक्ट दोस्तों मुझे रिव्यू के लिए आया है, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन फ्यूचर इंडिया की जो भी परचेस लिंक आएगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो चलो देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, कुछ ऐसे बॉक्स में आता है ये प्रोडक्ट। इसके ऊपर लिखा है मैग्नेटिक सी अलार्म। जैसे अंदर का प्रोडक्ट है वैसे ही बॉक्स का कलर है दोस्तों। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक खाली मैग्नेटिक अलार्म और एक वाइब्रेशन एंड मैग्नेटिक अलार्म। तो ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मैग्नेटिक अलार्म वाला प्रोडक्ट है। तो इसे हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो गाइस, बॉक्स के अंदर आपको ये मेन यूनिट मिलेगा और इसके साथ ही आपको एक रिमोट भी मिलता है। दो रिमोट मिलते हैं, एक बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स के बाहर। और ये है इसका मैग्नेट। और यहाँ पर आपको डबल साइडेड टेप्स मिलती है, इसे आप दरवाजे पर, विंडोज़ पर लगा सकते हो, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो दो यूनिट्स हैं वो आपस में होने चाहिए, और डिटेक्ट करने के लिए या फिर अलार्म साउंड करने के लिए इन दोनों का अलग होना ज़रूरी है। तो इसका जो मेन इंस्टॉलेशन है वो विंडोज़ पर होता है, डोर्स पर होता है, आप कबर्ड में भी कर सकते हो या फिर किसी लॉकर में कर सकते हो। तो बेसिकली यू गॉट द आइडिया कि ये दोनों का साथ होना ज़रूरी है फॉर द साइलेंट मोड और ये दोनों का दूर होना ज़रूरी है फॉर अलार्म मोड। तो ये है वो यूनिट जो अलार्म साउंड करता है। साथ ही यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइट नजर आएगी और ये है मैग्नेट जो इसके साइड में लगेगा। अब इस पर एरोज दिए हैं, वो एरो आपको बराबर इस मेन यूनिट के साइड में लगाकर इसे इंस्टॉल करना है। ये मेन यूनिट चलता है 2 AAA बैटरीज पर, जो बैटरीज आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। बैटरीज आपको अंदर डालने के लिए इसे ऐसे ओपन कर लेना है। और ये रहा बैटरी का कंपार्टमेंट। अब इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं दोस्तों, मैं आपको रिमोट दिखा देता हूं। तो ये रहा रिमोट, इसमें टोटल 4 बटन्स हैं। ऊपर वाला है लॉक के लिए, इसे प्रेस किया तो एक्टिवेट हो जाता है हमारा सेंसर। उसके नीचे बटन है अनलॉक के लिए, इसे एक्टिवेट किया तो अगर अलार्म बज रहा है तो वो ऑफ हो जाएगा या फिर जो लॉक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके नीचे फ्लैश जैसा है, इसे अगर प्रेस करोगे तो जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। इस फ्लैश वाले बटन का बहुत ही खास एप्लीकेशन है जो मैंने निकाला है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके नीचे है ये बेल का बटन। तो ये सेंसर दोस्तों बेल जैसे भी काम करता है, जो हमारी घर की बेल्स होती है उस टाइप का। तो वो सब चीजें मैं आपको अभी डेमोंस्ट्रेशन में दिखा दूंगा। चलो अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूं। इस यूनिट में जो साउंड आता है दोस्तों वो है 108 डेसिबल का। तो ये काफी लाउड साउंड है दोस्तों। इसमें 2 AAA बैटरीज लगती है जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेंगी जैसा मैंने अभी पहले बताया। और इसमें एक प्री इंस्टॉल 12 वोल्ट 27 एम्पीयर की अल्कलाइन बैटरी डाली हुई होती है जो करीब 1 साल का आपको बैकअप देगी अगर आप दिन में इसे 5 बार ऑपरेट करते हो। तो वायरलेस है तो इसका जो रेंज है दोस्तों वो डिपेंड करता है कि बीच में कितने ऑब्स्टेकल्स है। वैसे जब मैंने टेस्ट किया था तो इसकी रेंज करीब 10 से 20 मीटर की आ जाती है आराम से। अब इसका एक एप्लीकेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि इस वाले यूनिट को, सिर्फ इस वाले यूनिट को आप आपके बाइक में लगा सकते हो और रिमोट तो आपके पास रहेगा। तो इन केस अगर आपके बाइक पर कोई बैठता है या फिर कुछ करता है तो सिंपली आपको ये ऊपर से 3rd बटन प्रेस करना है, इससे जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो भी बैठा है या बैठी है वो उठ के चली जाएगी। चलो अभी मैं आपको इसमें बैटरी डाल के इसे ऑपरेट करके दिखाता हूं दोस्तों। ये है इसका मेन एप्लीकेशन दोस्तों। अभी देखते हैं डोरबेल वाला फंक्शन। इस वाले फंक्शन को आप शॉप्स में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही शॉप के अंदर कोई आता है, दरवाजा ओपन करता है तो डोरबेल जैसा साउंड आएगा।
अब ये जो फ्लैश वाला बटन है वो क्या करता है हम देखते हैं। इस सेंसर को हम हटा देते हैं। फ्लैश वाले बटन को दबाने से साउंड करने लग जाएगा देखिए, और बंद करने के लिए अनलॉक वाला बटन, ये था इसका थर्ड बटन का ऑपरेशन। अगर ये सेंसर भी इसके साइड में रहता है फिर भी ये साउंड करेगा। तो गाइस ये था मैग्नेटिक अलार्म सेंसर। इसका मेन एप्लीकेशन है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो अगर आपका शॉप है, शोरूम है या घर के लिए आपको यूज करना है, आप कर सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना आप किस चीज के लिए यूज करना चाहोगे। मेरे पास दो सेंसर्स है जिसमें से एक मैं गिव अवे करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हर वीडियोस पूरा देखा करो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, साथ ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस या गिव अवेज हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना।